अस्सलाम वालेकुम पीएमएस एस्पिरेंट, टुडे इज आवर सिक्स लेक्चर ऑन सोशल वर्क। पीएमएस सोशल वर्क लेक्चर सिक्स। एस्पिरेंट्स, अपने फर्स्ट फाइव लेक्चर्स में हमने बेसिक्स से लेकर राउंड अबाउट आपका 30-40% सिलेबस कवर कर लिया है। आज हम आपका जो, अगर आपके सामने सिलेबस पड़ा है तो आप अपने सिलेबस में देखें, आपकी जो फोर मेन पॉइंट है आपके सिलेबस का, आपको फोर मेन पॉइंट कह लें या चैप्टर फोर कह लें। कल हम डिस्कस कर रहे थे, 80% डिस्कस हो गया था और 20% उसमें कुछ चीजें रह गई थी, दो टॉपिक्स रह गए थे, आज हम उनको डिस्कस करते हैं। तो आपके फोर्थ चैप्टर के सिलेबस में, आपके सिलेबस की फोर नंबर जो मेन हेडिंग्स है उसमें आप सिलेबस में देखें, वहां पर लिखा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, और सिक्स इंस्टीट्यूट्स होंगे जिनके फंक्शंस पूछे गए थे। कल के फाइव नंबर लेक्चर में हमने अपने फोर इंस्टीट्यूशंस और उनके फंक्शंस डिस्कस कर लिए हैं। टू इंस्टीट्यूशंस बाकी हैं, फंक्शंस ऑफ रिक्रिएशनल फन या एंटरटेनमेंट, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन फंक्शंस। तो आज का ये हमारा लेक्चर है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। एस्पिरेंट्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस, अपने फिफ्थ लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, और ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे मुल्क के लिए क्या किरदार अदा करते हैं, इन सोशल इंस्टीट्यूशंस की क्या ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्या इनकी हायरार्की होती है, इन सोशल इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से लोग काम करते हैं और किस तरह से सोसाइटी की वेलफेयर के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। अपने फिफ्थ लेक्चर में हमने इन बातों को डिटेल से डिस्कस कर लिया है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं। सोशल इंस्टीट्यूशंस कि जब हमने बात की थी तो हमने ये कहा था कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला जो उसका सोशल इंस्टीट्यूट है वो उसकी फैमिली है, फिर रिलीजन, फिर एजुकेशन, फिर पॉलिटिकल, फिर इकोनॉमिक्स और फिर गवर्नमेंट। तो ये थे कुछ मेन प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो हमने एक एक करके सेपरेटली इन सोशल इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस भी कल अपने फिफ्थ लेक्चर में डिस्कस किए थे, अंडरस्टैंड। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस, कल के लेक्चर में हमने एक एक इंस्टीट्यूट के फंक्शंस सेपरेटली डिस्कस किए, आज हम इन तमाम सोशल इंस्टीट्यूशंस को मजमूई तौर पर देखेंगे कि ये तमाम सोशल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट, ये तमाम मिलकर मजमूई तौर पर क्या किरदार अदा करते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी रीजन में। तो आइए हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशंस में आपकी एनजीओस भी आ जाती हैं, आपकी फैमिली भी आ जाती है, आपके रीजनल इंस्टीट्यूट्स भी आ जाते हैं, आपके गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं, बैतुल माल है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, तहसील गवर्नमेंट है, रेस्क्यू 1122 है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? तो हमने आज ये देखना है, ये बहुत एक कॉमन सी बात है, ये एक आम बात है जो तकरीबन हर इंसान को पता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है, एनजीओस हमारे लिए क्या करती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इदारे हमारे लिए, तालीमी इदारे हमारे लिए क्या करते हैं, ये आप सबको ऑलरेडी पता है। लेकिन हमने अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, टू द पॉइंट कुछ चीजें लेकर चलनी है ताकि हम अपने एग्जाम में भी अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? नंबर वन, टू रिड्यूस पॉवर्टी। पॉवर्टी एक ग्लोबल इशू है, गुर्बत, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक में ये मसला है गुर्बत का। तो पॉवर्टी किसी भी कंट्री के लोगों का एक कॉमन इशू है, उनका पर्सनल इशू है।
गुर्बत को खत्म करने के लिए, पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए आपकी गवर्नमेंट भी काम करती है, आप प्राइवेट भी काम करते हैं, आपकी एनजीओस भी काम करती हैं, आप लोग वॉलंटियरली भी काम करते हैं। तो हर तरह से गुर्बत को खत्म करने के लिए हर तरह से हर तबके के लोग इस पर काम करते हैं। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस का ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट जो है वर्क है कि वो पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए अपना रोल अदा करते हैं। अपनी गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेटजीज बनाती है, इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपने तरीके से इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, आपकी एनजीओज इस पर डिफरेंट अपने तरीके से लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह के आजकल कोविड-19 कोरोना वायरस चल रहा है, तो हमारा जो लेबर तबका है वो काफी सारे लोग पूरे कंट्री में बेरोजगार हो चुके हैं। तो एक किस्म की जो पॉवर्टी है ना जी, इसको खत्म करने के लिए अब लोग बेसहारा हो गए हैं, बेयारो मददगार हो चुके हैं, लॉकडाउन है, घर से भी नहीं निकल सकते। अब जो एक लेबर है वो किधर जाएगा, वो अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएगा? तो इस तरह से आपकी गवर्नमेंट भी उनको अकोमोडेट कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, एनजीओस भी कर रही हैं, लोग इंडिविजुअली भी कर रहे हैं, सोशल ग्रुप्स भी कर रहे हैं। तो इस तरह से तमाम सोशल इंस्टीट्यूशंस मिलकर पॉवर्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि किसी भी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टू अपग्रेड इकोनॉमी, नंबर टू, टू अपग्रेड इकोनॉमी, जितनी हमारे कंट्री में प्रोडक्शन ज्यादा अच्छी होगी, क्वालिटी की होगी, जितनी ज्यादा प्रोडक्शंस होगी उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, उतना ही ज्यादा कंट्री ग्रो करेगा, उतनी ही हमारी नेशनल इनकम, नेशनल हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो अपग्रेड होंगे। तो पूरे मुल्क को, कंट्री को, इकोनॉमी को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट बहुत अहम किरदार अदा करती है। डिफरेंट सेक्टर्स प्रमोट किए जाते हैं, जिस तरह के आप सी पैक की एग्जाम्पल दे सकते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज मेगा प्रोजेक्ट टू अपग्रेड, टू बूस्ट पाकिस्तान इकोनॉमी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? टू स्टेबल इकोनॉमी, जब कोई कंट्री दिवालिया होने लगता है, जब मुल्कों के हालात ऐसे हो जाते हैं कि इकोनॉमी हैंडल ही नहीं हो पाती, तो फिर तमाम लोग मिलकर काम करते हैं, गवर्नमेंट की मदद करते हैं उस क्राइसिस से निकलने के लिए। तो ये भी सोशल इंस्टीट्यूशंस का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। टू रिड्यूस फॉरेन डेट, आप बेहतरीन एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमारे कंट्री के ऊपर आज काफी सारे कर्जे हैं। हमारी जो न्यू गवर्नमेंट आई है, इसने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं टू रिड्यूस फॉरेन डेट। तो इस तरह से गवर्नमेंट एक सोशल इंस्टीट्यूशन से, इन्होंने भी अपना काम किया है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी इनकी हेल्प की है, जो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, इस तरह से इन्होंने भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। और जो आपके नेशनल, आपके इलाके के लोग हैं, जो फ्यूडल्स हैं, जिनके पास जो रिच पावर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उन्होंने भी डोनेट किया है कंट्री को सर्व करने के लिए, कि किसी तरीके से हमारी कंट्री स्टेबल हो जाए, हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाए। टू कंट्रोल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। किसी भी कंट्री में, किसी भी इलाके में जब लोगों की तादाद ज्यादा होगी और वसाइल महदूद होंगे, तो वहां पर क्या होगी, वहां पर सोशल डिसऑर्डर होगा, वहां पर क्राइम्स होंगे, वहां पर इकोनॉमी डिस्टेबलाइज्ड हो जाएगी, वहां पर पॉलिटिकल डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए पॉपुलेशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू लिमिटेड रिसोर्सेस। तो हमारे कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री में जितने उस कंट्री के पास रिसोर्सेस हैं, उनकी पॉपुलेशन का तनासब उस हिसाब से होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन एक्स्ट्रा ग्रो कर जाएगी और वसाइल महदूद होंगे, सोर्सेस लिमिटेड होंगे, तो फिर लोगों का सरवाइव करना मुश्किल होता जाएगा, काफी सारे मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, फिर
गुर्बत आ जाएगी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, फिर काफी कुछ आ जाएगा। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इंतहाई जरूरी है। तो आपकी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर भी इस इशू पर काम कर रही है, आपकी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस भी इस इशू पर काम कर रहे हैं, और फैमिली प्लानिंग के काफी सारे लोग जो हैं इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट आजकल के दौर में एक बहुत बड़ा इशू है। तो हमारी गवर्नमेंट डिफरेंट तरीके से किसी सेक्टर को प्रमोट करती है जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं और इस इशू को कंट्रोल किया जाता है। अब आज से 10 साल पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर इतना अपग्रेड नहीं था। लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज्यादा नहीं जानते थे और इस सेक्टर में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी। आज से राउंड अबाउट 10 साल पहले, 20 साल पहले, और आज से 20 साल पीछे आप चले जाएं और आज आप अपने आप को कंपेयर करें, अगर आप अपने डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयज की तादाद को काउंट करें तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट आपका नहीं बचा जिसमें आईटी के लोग ना बैठे हों। तो गवर्नमेंट ने जिस तरह से ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर को बूस्ट अप किया, अपना आपका अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम हुई, हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में जॉब्स मिल गई। तो डियर एस्पिरेंट, आज आप सोच कर देख लें, आपका हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपका बैंकिंग सेक्टर, आपके गवर्नमेंट के सेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज एटसेट्रा, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए लोग काम नहीं कर रहे। तो आज से 20 साल पहले इस सेक्टर पर लोग अवेलेबल नहीं थे, तो 20 साल में लाखों लोगों को इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज मिली। लोग आज, लाखों लोग आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल शोबे में काम कर रहे हैं। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने इस शोबे पर काम किया, जितने आपके स्किल्ड पर्संस थे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, उनको जॉब मिली। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने भी अपना किरदार अदा किया, प्राइवेट कंपनीज ने भी इसको बूस्टअप किया। तो इन सब ने मिलकर किस तरह एम्प्लॉयमेंट की कमी में अपना किरदार अदा किया। टू प्रोवाइड जस्टिस, इंसाफ कायम करो, अल्लाह ताला का फरमान है कि ऐ ईमान वालों, अदल और इंसाफ कायम करो ताकि तुम फला पा सको। तो एस्पिरेंट, किसी भी मुआशरे में सरवाइव करने के लिए एक इंडिविजुअल इंसान से लेकर बड़े से बड़े लेवल पर गवर्नमेंट की भी ये जिम्मेदारी है कि इंसाफ कायम करें। तो इस मकसद के लिए गवर्नमेंट अपना तमाम एनर्जीज, अपने तमाम रिसोर्सेज लगा रही है। आपके मुल्क में कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कचहरी है, आपके मुल्क में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, डीसी साहब की अदालत है, कमिश्नर साहब हैं, अदालतें हैं। तो ये सब इंसान, ये सब आपकी गवर्नमेंट की मशीनरी मिलकर लोगों को इंसाफ देने के लिए अपना काम कर रही है। टू फैसिलिटेट पब्लिक, पब्लिक में कॉमनली कोई भी इशू आ जाता है तो गवर्नमेंट उसको सॉल्व करने के लिए अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ किसी भी इंसान के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अगर कोई इंसान जिंदा रहना चाहता है तो उसके लिए बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, उसका खाना पीना जरूरी है जो कि बेसिक नेसेसिटी है। खाना पीना जरूरी है उसके लिए, एक घर मकान जरूरी है उसके लिए, कपड़े जरूरी हैं उसके लिए, उसका लिबास, उसका उड़ना बिछाना जरूरी है, उसके सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ उसके लिए रिसोर्सेज जरूरी हैं। तो आपकी गवर्नमेंट, आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस, आपकी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम लोग मिलकर पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। टू कंट्रोल प्रोविंशियल डिसहार्मनी,
अगर किसी प्रोविंस में जिस तरह के वाटर क्राइसिस है, कालाबाग डैम का इशू है, अगर इस इशू पर गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आपस में डिस्प्यूट हो जाते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए भी गवर्नमेंट अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, टू रिड्यूस सोशल डिसऑर्डर, टू रिड्यूस डिसहार्मनी, टू इलिमिनेट करप्शन। करप्शन किसी भी मुआशरे का एक नासूर समझा जाता है। जब भी करप्शन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हकदारों का हक उन तक नहीं पहुंच पाता। जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, जो गवर्निंग अथॉरिटीज हैं, वो लोग जब इंसाफ नहीं करेंगे तो हकदारों का हक उन तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर करप्शन होगी। तो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने बेहतरीन इकदामात की हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है। इस तरह से आप इस टॉपिक पर बहुत कुछ लिख सकते हैं। और डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी करप्शन को इलिमिनेट करने के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं। और लास्ट पर फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, लोगों को मुतहद करने के लिए, सबसे जो आपका किसी भी कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी इशू है उसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग आपस में मुतहद रहें, तो इस पर भी बहुत काम हो रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस हमने डिस्कस की है। ये तो मैंने राउंड अबाउट 12 पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन पर आप राउंड अबाउट 100 पॉइंट्स भी डिस्कस कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो मेन मेन पॉइंट्स आपने पेपर में डिस्कस करने हैं। आपने अपने पेपर में देखना है मेरे पास टाइम कितना है। राउंड अबाउट 30 मिनट्स में आपने 4 to 5 पेजेस पर अपना एक बेहतरीन सवाल सॉल्व करना होता है जो कि 20 नंबर का, 20 मार्क्स का है। तो उसके लिए आपने देखना है कि मेरे पास कितना टाइम है, उतना ही अच्छा कंटेंट मैं लिख सकूं और बेहतरीन तरीके से लिख सकूं। तो नेक्स्ट आते हैं, डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशंस। रिक्रिएशनल मतलब फन, एंटरटेनमेंट। जो आपके कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम फन क्रिएट करना है, आपको एंटरटेन करना है, आप अपनी लाइफ से बोर हो चुके हैं तो आपको टीवी ड्रामे दिखाकर, सोशल मीडिया पर डिफरेंट न्यूज एटसेट्रा आपको एंटरटेनमेंट करना है, तो इनका इंपॉर्टेंट क्या रोल है, इनका सोशल वर्क में क्या रोल है, ये सोशल वर्क के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं, इनका आम पब्लिक को सोशली क्या फायदा होता है, तो आए देखते हैं। नंबर 1, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आप अपनी लाइफ से बोर हो चुके हैं, आप अपने काम से जब थक कर आते हैं तो आप देखते हैं कि अब तो 8 घंटे काम किया है, 12 घंटे आपने अपने बैंकिंग सेक्टर में काम किया, जब आप घर आएंगे तो आप थके हुए होंगे, तो इस तरह से आपको आपका जो एक एंटरटेनमेंट सेक्टर है वो आपको इस बीमारी से बचाता है, एक तन्हा रहने की बीमारी से, ताकि आप डिप्रेस्ड ना हो जाएं। नंबर 1, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। नंबर 2, प्लेयर। अगर आप परेशान हैं तो आप बाहर जाएं, घूमें फिरें दोस्तों के साथ, कोई पार्टी अरेंज करें, किसी कंसल्ट में जाएं, कोई ऐसी फिल्म देखने जाएं, वीडियो देखने जाएं जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि आपकी परेशानी खत्म हो, आप सुकून फील करें अपनी लाइफ में, आप प्लेयर खुशी महसूस करें। नंबर 3, बिल्ड रिलेशनशिप्स। जब आप सोशल मीडिया पर लोगों से डिस्कस करते हैं, लोगों से अपना रिलेशन बनाते हैं, जब आप फन क्रिएट करते हैं, जब आप एक टीवी ड्रामा बनाते हैं, तो कॉमन पब्लिक रिलेशंस में आपका इंपॉर्टेंट रोल है। आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, जिससे रिलेशनशिप्स ग्रो कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं। डिक्रीज डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अगर आप एक मरीज हैं और आप अपनी मर्ज में मुबतला हैं, और अगर आप अकेले बैठे हैं तो आप उसी मर्ज में आप कंसंट्रेट करते रहेंगे और आपका दर्द बढ़ता जाएगा, तो आप अपने उस क्राइसिस से निकलने के लिए, अपनी उस सोच से निकलने के लिए आप अपना टीवी ऑन करें, आप एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स देखें ताकि आपको अपना दर्द भूल जाए, आप देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये एस्पिरेंट्स जनरल टॉपिक्स हैं, ये आपके रोजमर्रा की बातें हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सोशल वर्क इंतहाई आसान सब्जेक्ट है,
ये सब्जेक्ट आपके रोजमर्रा लाइफ को डील करता है। आप में से हर इंसान अपनी जिंदगी में सोशल वर्क कर रहा है। आपका जो बच्चा पैदा होता है, जो आपका बच्चा अभी तक 5 क्लास में है, वो भी सोशल वर्क में हिस्सा ले रहा है। वो भी अपने साथ बैठे हुए बेंच पर, अगर किसी स्टूडेंट के पास, उसके किसी क्लास फेलो के पास बॉल पेन नहीं है, तो वो बॉल पेन देकर उसकी हेल्प कर रहा है। तो आप अपने बचपन से लेकर मरते दम तक हर इंसान सोशल वर्क का काम करता है। फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी हर इंसान कुछ ना कुछ करता है। तो इसलिए सोशल वर्क वो काम है जो आप लोगों की फलाह के लिए करते हैं, अपने इदारे की फलाह के लिए करते हैं, अपनी कौम की खिदमत के लिए करते हैं। तो सारी दुनिया करती है। एलिमिनेट लॉन्लीनेस। अगर आप तनहा फील कर रहे हैं तो आप किसी पार्टी में जाएं, कोई फंक्शंस देखें, अपनी तनाई को खत्म करें। प्रमोशन ऑफ कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी कल्चर को प्रमोट करने के लिए एंटरटेनमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, आपके जो मेले हैं, आपके गीत संगीत हैं, आपके जो फेस्टिवल्स हैं, ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ कल्चर। बूस्ट इकोनॉमी। आप देख लें कि बॉलीवुड हॉलीवुड का किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में कितना रोल है। उनकी बिलियंस में इनकम है जिनसे उनकी इकोनॉमी स्टेबल है। तो इसलिए एंटरटेनमेंट सेक्टर का, रिक्रिएशनल फन सेक्टर का आपकी इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। जब आप अपने कंट्री में टूरिज्म का निजाम लाएंगे, आप वहां पर कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन करेंगे, आप वहां पर पार्क्स बनाएंगे, आप वहां पर बिल्डिंग्स बनाएंगे, आप ऐसी अट्रैक्शंस क्रिएट करेंगे जिनको देखकर टूरिस्ट आएंगे, तो आपका सेक्टर भी बूस्ट होगा, टूरिज्म भी बूस्ट होगा, सोशल नेटवर्क भी आपका इंक्रीज होगा, फॉरेन रिलेशंस भी इंक्रीज होंगे। तो यह कड़ी के साथ कड़ी मिली हुई है, ये एक चेन है सोशल नेटवर्क की। अंडरस्टैंड। टेरिटरी एक्सपोजर। जब आप फिरने जाते हैं, जब आप घूमने फिरने जाते हैं, जब आप डिफरेंट कंट्रीज में, अपने कंट्रीज में डिफरेंट पॉइंट्स पर ट्रेवल करते हैं, तो आपका टेरिटरी एक्सपोजर, आप ज्यादा से ज्यादा इलाका देखते हैं, आपका माइंड लेवल जो है वो एक्सपोज होता है कि मैंने इतनी चीजों को देख लिया, मैंने आज ये देखा, मैंने वो देखा। आप नए नए इलाके दरियाफ्त करते हैं, आप अपने आप को प्लेजर फील करते हैं, आप स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं। इंक्रीज टूरिज्म। तो आपका ये जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है, अगर ये काम करे तो आपके टूरिज्म सेक्टर को बहुत बूस्ट मिल सकता है। तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के क्या फंक्शंस हम डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में आपके तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा प्रोडक्शन सेक्टर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है, जो लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, जो डिफरेंट गुड्स आपके लिए बना रहा है और मार्केट में सेल कर रहा है, उसमें चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ये तमाम आपके जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक नीड्स, इनका इंपॉर्टेंट फंक्शंस है लोगों के लिए, जो लोगों को अपनी इकोनॉमी के लिए, लोगों को अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लोगों को जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो प्रोवाइड करना। साफ जाहिर है, अगर कोई इंडस्ट्री आपके लिए खाने पीने की अशिया बनाएगी, प्रोडक्शन करेगी, तो आप तक पहुंचेगी ना। सेकेंडली प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। किसी भी चीज को तैयार करना, प्रोडक्ट को तैयार करके फाइनल फिर मार्केट में भेजना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना, फिर आप लेने जाते हैं कंज्यूमर गुड्स। इकोनॉमिक अपग्रेडेशंस ऑफ लाइफ। आपके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस किस तरह से आपकी लाइफ को अपग्रेड करते हैं। देखिए, आपकी खाने पीने से लेकर आपके इस्तेमाल करने की एक एक चीज, आप देखें, आपके कपड़े एक फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, ये मार्कर, ये व्हाइट बोर्ड, ये इंक, ये मोबाइल, ये कैमरा, ये खाना पीना, ओढ़ना बिछाना, सब कुछ जितनी भी आपकी अशिया जरूरत हैं, ये सब कुछ आपकी इंडस्ट्री, आपका इकोनॉमिक सेक्टर आपको प्रोवाइड कर रहा है। अपॉर्चुनिटीज। तो फिर आपका जो बैंकिंग सेक्टर है, आपके जो जितनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, शुगर मिल्स हैं, आपके इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री आ गई, पूरी बैंकिंग सेक्टर आ गया, गवर्नमेंट सेक्टर आ गया, सब कुछ
ये क्या कर रहे हैं, ये आपके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, आपको जॉब्स भी मुहैया कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज, स्किल्स एंड ट्रेनिंग, स्किल्स दे रहे हैं लोगों को, ट्रेंड कर रहे हैं ताकि लोग ज्यादा प्रोफेशनल हो जाएं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप लोग खुद में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन वर्क प्लेस, एक जगह पर आपको काफी सारे लोग काम करते मिलेंगे, कोई डिपार्टमेंट्स अकाउंट्स का है, कोई बायोलॉजी का है, कोई फिजिक्स का है, इस तरह से डाइवर्सिटी ऑफ वर्क प्लेस, इकोनॉमिक प्रोटेक्शंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जो आपके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, जो आपका इकोनॉमिक सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, कोई भी आपका जो प्रोडक्शन सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है या टेक्निकल सेक्टर है, ये आपकी इकोनॉमी को किस तरह से बूस्ट अप कर रहे हैं, कि क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये रोजमर्रा की वो बातें हैं जो आपको ऑलरेडी पता हैं, लेकिन आपने अब इनको सोचना है, आपने देखना है कि किस तरह सोशल वर्क, आपका जो सोशल वर्क का डिपार्टमेंट है, किस तरह से हमारी इकोनॉमी को, हमारे मुआशरे को फायदा पहुंचा रहा है और किस तरह से लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं। तो एस्पिरेंट, आज हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, फंक्शंस ऑफ रिक्रिएशनल फन या एंटरटेनमेंट सेक्टर, फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर। तो आपका लेक्चर नंबर 6 खत्म हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पीएमएस के सिलेबस, हमारे सोशल वर्क के लेक्चर्स को इंतहाई तवज्जो के साथ, दिलचस्पी के साथ सुन रहे होंगे और लोग और आपको इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। तो गुजारिश है आपसे कि आप अपने सिलेबस पर हाईलाइट कर लें कि आपके सिलेबस के फर्स्ट मेन 4 हेडिंग्स, या फिर आप अगर अपने सिलेबस के फर्स्ट 4 चैप्टर्स काउंट करना चाहें तो वो आपके आज खत्म हो चुके हैं। राउंड अबाउट आप कह सकते हैं कि आपके सिलेबस का 40% पोर्शन कवर हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।